कितनी बड़ी समस्या होती है ना कि हम किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं और वहां पर उन लोगों के हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो हमारे हिसाब से क्यों एडजस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल लर्निंग नेवर एंड्स में। और आज ना हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम एज अ फ्रेशर टीचर जब नए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पर हम क्यों एडजस्ट करें और कैसे कित हद तक हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इतना आप समझ लीजिए कि आप जब उस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आपको जरूरत है जॉब की, या फिर अगर किसी लड़की की शादी होती जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी हो और वो वहां पहुंची, ठीक है। वहां पे अगर 8 से 10 लोगों की फैमिली है, उस फैमिली में हर व्यक्ति तो बिल्कुल आपके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता ना, वो भी करेंगे, बट दे दिस प्रोसेस नीड्स अ टाइम। बट आप अकेले बंदे हो, आपको ज्यादा मतलब एम्फेसिस किया जाता है कि आप उनके हिसाब से मोल्ड हो, जो कि आप कोशिश करते भी हैं। तो इससे आप वहां भी तो करिए, वो तो आपकी जॉब प्रोफाइल है, वहां तो आप काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस है, वहां पर भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके चलिए कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी मेरे चारों ओर हो, मुझे पॉजिटिव रहना है और मुझे ही एडजस्ट करना है। बट एडजस्टमेंट सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे हो, यानी अगर आपके कहते हैं आपके कुछ रूल्स होते हैं, आपके कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं, अगर उनके ऊपर जाके आपको कोई काम करवा रहा है और आप उसमें कंफर्ट नहीं फील कर रहे, आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ फिर तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप वो जॉब तुरंत छोड़ दें। अगर आपको इनर सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिल रहा है, आपकी मेंटल पीस जो है उस जॉब ने खो दी है, तो भाई उस जॉब में रहते हुए आप कोई उससे बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढने की कोशिश करिए। बट आपने ऐसा 2-3 स्कूलों में करके देख लिया, आप मेंटल पीस मिल ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, यानी आप लोगों के साथ एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में दिक्कत आपको आ रही है। भाई आपको अपने आप को सुधारना होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज कि आप ना लोगों में कमियां ढूंढना बंद करें, क्योंकि कमियां चारों तरफ हैं। मतलब कहते हैं ना, ये एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हो ना, यहाँ पर भी सब कुछ आपने परफेक्ट नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप रोज फेस करते हो। तो उन कमियों को आप नजरअंदाज करके सिर्फ कोशिश करिए उन लोगों में से अच्छाइयां ढूंढने की, क्योंकि जब आप किसी नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपको लगते हैं कि इसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, अरे यार इसका वे ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, अरे ये दिखने में बड़ा अच्छा है यार, ये वाले टीचर हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा बना के आती है यार, ये वाले टीचर की जो पर्सनैलिटी है ना ओवरऑल वो बड़ी अच्छी है। यानी आपने सब में से कुछ 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 देखा जो बहुत बढ़िया था, बुराइयां तो लाखों पड़ी हैं सब में, बट आपको उनमें से वही चीजें ना चुरानी है, वो चीजें अपने अंदर लानी है, क्योंकि यही चीजें आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाती हैं। कोई टीचर बेस्ट है स्कूल में, सारे बच्चे उसे पसंद करते हैं, तो भाई क्यों करते हैं, और आपको जाते ही सब भौं चढ़ा के देख रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा तो कोई है नहीं आपके यहाँ लिखा है कि आप बुरे हो। यानी आप जरूर कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में या तो आप इतने ईगो से भरे हुए हो कि भाई मैं आगे से जाके किसी से बात नहीं करूंगा, या फिर आपको शर्म ज्यादा आती है कि भाई मैं किसी से जाके बात नहीं करूंगा। आपको दोनों ही चीजें आपके कैरियर के लिए जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। भाई आप आगे से जाके बात करिए, क्योंकि आप नए हैं। और सबसे मजेदार सा एक तरीका बताऊं ना, या सबसे अकड़ू टीचर हो ना उस स्कूल का, उस इंस्टीट्यूट का, आप उससे टर्म्स बनाइए। उससे कैसे टर्म्स बना सकते हो, भाई चने के झाड़ पे चढ़ाओ उसे, शुरुआत बहुत थोड़ी करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप उसकी अननेसेसरी आपने तारीफ शुरू कर दी, उसे जाके चिपक गए, तो फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है बहुत चेप है। तो स्टार्टिंग जो है एक एक दो दो सेंटेंसेस से करिए, स्टार्टिंग एक बढ़िया सी स्माइल से करिए, और अगर आपने वो अकड़ू बंदा जो है वो अपने अंडर कर लिया, यानी उसके टर्म्स आपके टर्म्स बढ़िया हो गए, तो वो ईगोइस्टिक बंदा, वो अकड़ू बंदा किसी को ज्यादा पसंद नहीं था, बट वो अपने काम में इतना बढ़िया था कि वो अकड़ू था, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यार ये इसने उसके साथ एडजस्ट कर लिया तो इस बंदे में कुछ तो बढ़िया बात है, तो बाकी लोग ना आपको अपने आप ही तवज्जो देने लग जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यार, अपने काम को ना जब आप बेस्ट तरीके से करोगे, उस काम में अपना 200% दोगे ना, तो भाई सब आपको सलाम ठोकेंगे, सब आपकी खिदमत करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। हो सकता है शुरुआती दिनों में उन्हें लगे कि आके ज्यादा तीर मार रही है, मतलब ज्यादा शाणे बन रही है अभी कल के आए हुए मास्टर हमारे स्कूल में, नहीं, बट अगर आपका काम बोलता है ना, तो बच्चे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप बाकी टीचर्स तक पहुंचा देते हैं। और जब आपकी पॉजिटिविटी पहुंचेगी तो सामने से बंदा जरूर कोशिश करेगा भाई आपसे बात करने की। तो उम्मीद करती हूँ भाई इतनी टिप्स जो है आपके लिए काफी होंगी, आपको मोटिवेट करने के लिए कि सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है जब कोई आप किसी नई जगह पर जाते हो काम करने।
ना बस मोटिवेट रहिए, डटे रहिए, थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में, और बे किसी में कमियां मत ढूंढिए, उसमें जो बढ़िया चीजें ना उसे चुरा लो उसके अंदर से, और फिर देखना आप भी कितने मस्त मस्त होके उस जगह पर काम करेंगे। और ना एकदम स्मार्ट बन के जाओ, स्मार्ट तरीके से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ अपनी ट्यूनिंग जो है वो जबरदस्त करके दिखाओ। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स काम की होंगी, वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसे इसकी जरूरत हो, और चैनल पे आने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।